नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत चैनल में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा जिससे आपको नया वीडियो मिलता रहेगा। तो देखिए, प्रश्न जो है 19 नंबर में बताने जा रहा हूँ। ये तीन बिंदु आवेश प्लस क्यू और प्लस टू क्यू और क्यू एक समत्रिभुज के तीन शीर्षों पर रखे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि क्यू के पदों में कैपिटल क्यू का मान निकालिए जिसे निकाय की विभव ऊर्जा शून्य हो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम जो है हम एक त्रिभुज बनाएंगे, समत्रिभुज, ये बी है, ये सी है, या ए है और यहाँ ए, समत्रिभुज है। तो यहाँ पर प्लस क्यू है आवेश है, यहाँ पर प्लस टू क्यू है और यहाँ पर प्लस क्यू है। देखिए यहाँ दिया है क्यू प्लस टू की ये अलग टू क्यू यहाँ पर दिया है और ये कैपिटल क्यू जो हम माने हैं यहाँ पर दिया है, ठीक है। और इनकी बीच की दूरी क्या है, यहाँ ए है, बी दूरी है, समत्रिभुज है, ठीक है। तो ए बी सी में ए बी बराबर, देखिए बी सी बराबर सी ए, सब बराबर यानी ए दिया है। यदि निकाय की ऊर्जा हम मान लेते हैं, क्या है यू है, तो यू बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा ये क्यू इंटू टू क्यू बटा ए बी। देखिए क्यू इंटू टू क्यू, देखिए गुणा हो रहा है दोनों आवेश का, बटा क्या हो जाएगा यहाँ से ए बी प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू क्यू, देखिए टू क्यू गुणा इसमें होगा कैपिटल क्यू बटा बी सी। आप ध्यानपूर्वक देखिए, इन बी सी है, देखिए प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू क्यू बटा फोर, यहाँ ए हो जाएगा, ये सी ए, ठीक है। तो इस प्रकार जब हम हल करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कामन हम लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कामन ले लेंगे, तो क्यू इंटू टू क्यू सॉरी यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये क्यू इंटू टू क्यू बटा ए बी और ये टू क्यू इंटू क्यू बटा बी सी और क्यू इंटू क्यू बटा सी ए, ठीक है। तो यू बराबर हम जब यहाँ लिखेंगे, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये टू क्यू स्क्वायर हो जाएगा ए बी, यहाँ हो जाएगा टू ए कैपिटल क्यू, टू क्यू है यह बटा ए, यहाँ हो जाएगा क्यू इंटू क्यू बटा ए, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, एक मान लेंगे इसको। क्यों होगा, क्यों मैं बता रहा हूँ, एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। देखिए जब पहला हम लेंगे 1/4 एप्सिलॉन 0 तो क्यू इसका इसके साथ गुणा हो रहा है बटे ए हो गया, दूसरा जब लेंगे तो टू क्यू गुणे इसका इसके साथ हो रहा है बटा ए हो गया, फिर तीसरा लेंगे तो यहाँ ए बी हो ए बी सी हो गया, वही तीसरा लेंगे तो यहाँ ये इसका गुणा इसमें बटा ए सी। तो पहले में ए बी यानी इसका इसका गुणा इसका ये क्यू इंटू टू क्यू गुणे बटे ए बी हो गया, यानी ए बी की जगह ए हो गया। तो इस प्रकार यहाँ जो है ये हो गया, दिया है ए बी दिया है क्वेश्चन में, यू बराबर क्या लिया जाए शून्य। तो समीकरण ये समीकरण दो मान लो, मान लीजिए समीकरण एक और दो से, तो यू बराबर जब जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये टू क्यू स्क्वायर ए टू क्यू क्यू ए क्यू ए क्यू बड़ा क्यू बटा ए बराबर जीरो, तो सबका तो हो जाएगा टू क्यू स्क्वायर टू क्यू 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 बराबर क्या हो जाएगा, ए जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हम जब हल करेंगे इसको तो यहाँ से हो जाएगा ये यह टू क्यू स्क्वायर थ्री क्यू क्यू बराबर जीरो, तो यहाँ से आ जाएगा ये टू स्क्वायर बराबर माइनस थ्री क्यू क्यू हो जाएगा, यानी क्यू बराबर निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2/3 2/3 क्यू हो जाएगा, यानी क्यू का भी स्थान यही होगा, ठीक है।
क्यू का जो है अभी स्थान जो है यही होगा, और बड़ी आसानी से जो है इसका आंसर यही होगा कि यह वही होगा जो, ठीक है, शून्य होगा, ठीक है, ये मतलब हो जाएगा। अगले हम प्रश्न में आते हैं, चलिए 21 वाला, यानी ये आवेश 4×10^9 सी के कारण इससे 9 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पी पर विभव परिकलित कीजिए, और दूसरा जो है 2×10^9 सी को अनंत से बिंदु पी तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करिए, तथा उत्तर जिस पथ पर अंदिश आवेश से लाया जाता है उस पर निर्भर करता है। तो आवेश इतना के कारण इससे 9 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पी पर विभव परिकलित करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पहले का आंसर दे रहे हैं, कितना दूरी कह रहा है, आवेश दिया है, तो सूत्र लगाएंगे हम, वी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल क्यू बटा आर, बस इसी में हम रख देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम गुड़े 4×10^7 बटा 0.09 क्यों रख रहे हैं, देखिए दिया है यहाँ पर आवेश, ओ क्यू बटा क्या रख दिए बटे आर का मान रख दिए, इसी को हल कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। फिर बी को जब हम हल करेंगे, ये पहले का मैं बता रहा हूँ, यही पहला जो है, अब बी का इतना को अनंत से पी तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, यदि उत्तर जिस पद के अंदिश आवेश लाया गया उस पर निर्भर करता है, तो इसको हल आप कर ही लेंगे, या नहीं कर पाएंगे तो मैं बता भी दूंगा, ऐसी बात नहीं है। तो बी को हल करेंगे तो डब्लू बराबर क्यू भी यहाँ लगाएंगे, बी वाला हल करेंगे बस, और डब्लू बराबर क्यू का मान 2×10^9 कूलम, अभी का मान जो आएगा यहाँ से रख सकते हैं। तो चलिए इसको हल कर दे रहे हैं, थोड़ा आपको लगेगा कि हल नहीं करते हैं और डायरेक्टली बता देते हैं, तो सही बात है, थोड़ा हल हम कर दे रहे हैं, आपको ऐसा ना लगे आसान लगे, 9×10^9×4×10^7 बटा 0.09 है, तो दो अंक नीचे है जिसने 100 से ऊपर नीचे, क्या करेंगे हम कूड़ा कर देंगे, तो 10 यहाँ हो गया, ये 4×10^7 10^7 हो गया 2, नीचे क्या गया 9 से गायब हो गया यहाँ, क्योंकि दशमलव गुड़ा हुआ 100 का, तो यहाँ क्या हुआ है दशमलव हट गया, ये 10^9×4×10^7 2 यानी भी बराबर 4×10^9 -7 2, क्योंकि भी घात में गुणा में घात जुटेगा, यानी 4×9 2×11 -7 यानी भी बराबर 4×10^4 क्या हो गया 4 हो गया, 7×4 11 होता है, ये आंसर हो गया। और दूसरे वाले में ही ले आकर रख देंगे, जो दूसरा बी का आंसर हम लगाए थे क्यों भी उसी में रख देना है, ये बी का आंसर हो जाएगा, ये 4×10^4 यानी हो जाएगा 4×2 8 9×4 ये 8, 9 में से 4 क्या हो जाएगा 5 जो ले, ये आंसर हो जाएगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, नमस्कार दोस्तों, शेयर भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।